तो हम आपको लेकर आ गए हैं इंडिया की बिगेस्ट मैंगो जूस फैक्ट्री में, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फैक्ट्री लेवल पर आम रस बनाया जाता है। और ये जो प्रोसेस है दिखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग और यूनिक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें सूरत में मोरडिया रस के कारखाने पर और यहाँ रखी हुई आम की पेटियों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पे काम होता है। तो ये जो आप आम रखा हुआ देख रहे हैं, ये सारा अपना केसर आम है, अभी ये कच्चा है, पहले इसको पकाया जाएगा। पकने के बाद आप देख सकते हैं आम अपना कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद इसे कारखाने भेजने से पहले ऊपर से इसकी कटिंग की जाएगी, तो एक एक आम लिया जाएगा, ऊपर से उसे कट किया जाएगा। उसके बाद इन आम से भरी हुई कैरेट्स को लोड करके देखिए कारखाने के अंदर ले जाया जाएगा, यहाँ पे बनेगा इनसे आम रस। तो आम रस बनाने के लिए सबसे पहले जो अपनी आम से भरी हुई कैरेट्स आई है उन्हें इस बड़े से कंटेनर के अंदर उल्टा जा रहा है, जहाँ पर लगातार पानी भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कटे हुए आम से कंटेनर अपना पूरी तरीके से भर दिया गया है और पानी भी इसमें लगातार चलता रहा है। अब इस आम को यहाँ से लिया जाएगा और डाला जाएगा आगे कन्वेयर बेल्ट पर। तो आम रस के बनाने में जितना भी मैनुअल काम है वो केवल यहीं तक है, आम को लाना, उसे काटना और फिर इस कटे हुए आम को कन्वेयर बेल्ट पर डालना। यहाँ से आगे का जितना भी काम है वो ऑटोमेटिकली मशीनों के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए जो अपना कटा हुआ आम है कन्वेयर बेल्ट पर ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ पर ये ऊपर जाते जाते फ्रेश पानी से अपना धुला भी जाएगा। धुलने के बाद देखिए ये कन्वेयर बेल्ट इस आम को लेकर जा रही है मशीन में, जहाँ पे आम रस बनेगा। और ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, ये बिना छिला आम इस मशीन के अंदर जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं एक तरफ से आम की जो गुठली है और छिलके हैं वो निकल के आते रहेंगे, और वहीं दूसरी तरफ से इसका आमरस बन के निकलता रहेगा। और ये जो आमरस यहाँ से बनकर निकल रहा है इसमें कोई चीनी नहीं डाली गई है, मतलब कोई इसमें एडिड शुगर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल अपना केसर के आम का ये प्योर रस है। और आप क्वांटिटी देख सकते हैं कितना ज्यादा आमरस यहाँ पे बन रहा है, इतना बड़ा ये कंटेनर है, देखिए बिल्कुल ऊपर तक भर दिया गया है। आपको लगा होगा आमरस बन के तैयार हो गया, नहीं, अभी तो काफी सारे प्रोसेस रहते हैं। अब देखिए इस बड़े वाले कंटेनर से इस आमरस को ये जो पाइप जा रहा है इस पाइप के थ्रू भेजा जा रहा है अगले कंटेनर में। आप देखिए यहाँ पे यह आमरस अपना गिरता रहेगा और इस वाले कंटेनर के अंदर आप देखिए पलटने टाइप लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, जो कि घूमते रहेंगे जिससे इस आमरस के अंदर कंसिस्टेंसी आए, कोई गांठ रह गई हो इस तरह कुछ आया हो यहाँ पर वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस कंटेनर से आमरस को लिया जाएगा इस प्लास्टिक के कैंस के अंदर। तो देखिए जो अपना फ्रेश आमरस तैयार हुआ है इस मशीन में घूमने के बाद वो यहाँ पे आ गया है। ये प्लास्टिक के ऐसे बहुत सारे कैंस यहाँ पे भरे जाएंगे और इन कैंस में अपने आमरस को भर के एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितने सारे प्लास्टिक के कैंस यहाँ पे रखे हुए हैं आमरस से भरे हुए, इनके ऊपर ठंडा पानी चलाया जाएगा जिससे ये जो अपना आमरस है वो ठंडा हो सके, इसके अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। जब ही अपना ठंडा हो जाएगा उसके बाद इस आमरस को देखिए एक और मशीन के अंदर डाला जा रहा है। इस मशीन में आमरस अपना भरा जाएगा और नीचे से अपने प्लास्टिक पैकेट्स के अंदर आमरस को लिया जाएगा और इसे मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया